नया सदन तो बन गया चकाचौंध से भरपूर, लेकिन पुराने सदन का क्या हुआ? क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा? नए संसद की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? नए और पुराने संसद में अंतर क्या है? बनाने में कितना खर्च आया और इसे बनाया किसने? कभी सोचा आपने? ऐसे कई सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। चलिए नए सदन के साथ साथ आज याद करते हैं उस पुराने सदन को जो कई बड़ी घटनाओं की गवाह है। पहले बात करते हैं इस सवाल की जो उठाया जा रहा है कि क्या पुराने संसद को तोड़ दिया जाएगा। देखिए इसके कई विकल्प हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक वक्त में कहा था कि जब संसद की नई इमारत बनकर तैयार हो जाएगी तो पुरानी इमारत की मरम्मत करनी होगी और वैकल्पिक तौर पर इसका इस्तेमाल करना होगा। हरदीप पुरी ने ये बात कही थी। सरकार के मुताबिक पुराने संसद भवन को ढाया नहीं जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा क्योंकि ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। संसद से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में इसे डिजाइन किया था। इसे हम सब ने पढ़ा है। इसे बनाने में 6 साल लगे थे। तब इसे बनाने पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं आज नए भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, हम सब जानते हैं। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है और इसे मोर की थीम पर बनाया गया है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है, वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नई राज्यसभा कमल के थीम पर बनी है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक की बात करें तो उस दौरान वहां पर 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी यहाँ आए जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के कारण संसद भवन में काफी भीड़ हो गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म ने तैयार किया। नए भवन का निर्माण जो है एक देसी कंपनी ने किया, देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये बातें हैं जो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती हैं। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। पुराने संसद में सामने बड़ा स्पेस है और पूरी इमारत गोलाकार है, जबकि नई इमारत त्रिभुजाकार है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था उस वक्त दिल्ली जो है भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब ये 4 में पहुंच गई है। बदलते वक्त के साथ संसद भवन में सीलन जैसी दिक्कतें भी पैदा हुई हैं और आग लगने का खतरा बढ़ा है। नमस्कार।